हेलो मोर्स गाइस, कैसे हो यार तुम लोग। आई होप कि तुम लोग बहुत सो गए। तो आज मेरे पास बहुत सारे माइनक्राफ्ट कम्युनिटी एंड यूट्यूब कम्युनिटी की न्यूज यार, वीडियो के अंत तक देखते रहना। एंड यहाँ पर तुमने पहले न्यूज की तरफ, तो बात कर लेते हैं गेमर फ्रीड के बारे में। अब लाइक यार, गेमर फ्रीड के यूट्यूब चैनल के हो चुके हैं 6 साल कंप्लीट। एंड ऑल्सो इसी चीज के ऊपर में सबसे पहले वो रिएक्ट करते हैं। एंड उन्होंने कहा, यूट्यूब करते करते आज 6 साल हो गए, आज भी यकीन नहीं होता कि क्या क्या देख लिया इन ईयर्स के बीच में। 16 घंटे की जॉब फॉर 2500 रुपए से लेकर दिल्ली में जॉब के लिए 4 किलोमीटर पैदल चलने तक, पेरेंट्स की मार से लेकर उनके आंखों में गर्व तक, बहुत लंबी जर्नी हो गई अभी तक। एंड ये तो बस अभी शुरुआत है, अभी बहुत आगे जाना है। बने रहना मेरी पावर बनके मेरे दोस्तों, वी विल टच न्यू हाइट्स, बिलीव मी। एंड यहां मेरी भी साइड से गेमर फीड को काफी बड़ा वाला कांग्रेट्स। एंड आल्सो नेक्स्ट न्यूज़ भी गेमर फीड से रिलेटेड है। तो लाइक तुम्हें पता होगा, गेमर फीड का जो नॉट गेमर फीड वाला चैनल है, उस पे वो पोकेमॉन कार्ड अनबॉक्सिंग की वीडियो डालते हैं। तो आज ही उन्होंने एक और भी यार पोकेमॉन कार्ड अनबॉक्सिंग की वीडियो डाली। एंड उसमें वो बताते हैं कि उनके साथ में काफी बड़ा स्कैम हो गया इसी के रिलेटेड। लाइक तुम्हें पता होगा, ये जो पोकेमॉन कार्ड्स होते हैं, ये इंटरनेशनली आता है। लाइक इसके लिए तुम्हें कस्टम ड्यूटीज वगैरह पे करनी पड़ती है, टैक्स वगैरह देने पड़ते हैं। तो इसी चक्कर में यार गेमर फीड का काफी बड़ा स्कैम हो गया। कैसा स्कैम था देखो तुम लोग, उन्होंने बताया। ये देखो ना तुम, ये बॉक्स में आया था, तुम लोग इसकी हालत देख लो एक बार। ये देख रहे हो, साइड से ऐसे दबा हुआ है पूरा, यहां से पूरा कट्स छिला छुला, जैसे किसने कितनी बार पता नहीं क्या खोला खाला होगा। तो दैट इज़ वेरी सैड कि लोग ऐसा, भाई इतनी, भाई यार कितनी पैशनेट चीज़ है, पता है कि मुझे पता रहता है ज़्यादातर कि मैं भाई जितने पैसे डालूँ मेरे को उतने पैसे वापस नहीं मिलेंगे। बट एटलीस्ट एक वो समझ रहे, एक होप होती है, एक मज़ा होता है, वो चीज़ अलग होती है, राइट? वो एक फीलिंग होती है। और फिर हमें यार, हम लोग कैसे बंदे हैं, हम लोग कैसे बंदे हैं, हमें पोकेमॉन कार्ड्स कलेक्ट करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ना कि ऐसा कि भाई आज ये खोल दूंगा पैसे मिल जाएंगे। भाई मैं तो कभी नहीं सोचता, मेरे को ऐसा होता है पोकेमॉन कार्ड्स कलेक्ट करेंगे। भाई अलग अलग टाइप के हॉबी है, एक अपना कैसे बोले पैशन वाली चीज़ है, क्योंकि हमें पता है पोकेमॉन्स असलियत में तो कभी लाइक आएंगे नहीं, तो वो चीज़ है। बट ऐसा यार, जब तुम पैसे भी डालो, लाइक मेरे को ये कम से कम नहीं तो 8 या 10 हज़ार के आसपास का पड़ा होगा विद कस्टम एंड एवरीथिंग। और उसके बाद तुम ऐसे करो कि बाहर अगर तुम लोग जाओगे, तुम्हें 5,000, 5,500, 6,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा, लाइक US में, कनाडा में। बट जब इंडिया में लाते हो, कस्टम्स लगते हैं, वो सारी चीज़ें, डबल हो जाता है प्राइस सीधे। बट सैडली कोई बात नहीं भाई, जो भी हुआ जैसे भी हुआ देखी जाएगी। सो यार प्रथम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं, बल्कि स्टार वर्सेस सताक्षु के बारे में। अब लाइक यार, तुम इन दोनों लोगों को जानते होगे, काफी ज्यादा पॉपुलर माइनक्राफ्ट के यूट्यूबर हैं दोनों के दोनों ही। एंड ऑल्सो बल्कि स्टार अपने रिसेंट वाली वीडियो में यार बताते हैं कि उनका एंड ऑल्सो उनके फ्रेंड सताक्षु, ये दोनों लोगों का यार चैलेंज लगा है कि सबसे पहले यार यूट्यूब के ऊपर में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कौन करेगा। एंड इसी के बारे में बल्कि स्टार ने क्या कुछ कहा देखो तुम लोग। तो गाइस, हम मैं और सताक्षु जो है रेस कर रहे हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड वो जो है गाइस मेरे से बहुत ज्यादा आ गया है। तो अगर गाइस तुम चाहते हो कि मैं उससे पहले जो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करूं, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक कर दो। नाउ बैक एंड या बाकी, तुम्हें क्या लगता है कि सताक्षु और बल्कि स्टार में से सबसे पहले यार 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स किसके कंप्लीट होंगे, यार मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड या प्रथम नेक्स्ट न्यूज की तरफ, तो बात कर लेते हैं यसस मडपाई के बारे में। अब लाइक यार, यसस मडपाई, एजी टिडिप एंड ऑल्सो ड्रीम बॉय, ये तीनों लोग यार यसस मडपाई के चैनल पे कल लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, जहां पर स्माइली पाई, एजी टिडिप एंड ऑल्सो ड्रीम बॉय के चैलेंजेस दे रहे थे और वो लोग कंप्लीट कर रहे थे। तो उसी वाले यार लाइव स्ट्रीम में उनसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है स्माइली पाई से। लाइक होता क्या है कि वो जिस सर्वर में खेल रहे थे, उस सर्वर का आईपी जो एड्रेस होता है वो लीक हो गया, पता नहीं कैसे हुआ, उनको खुद भी नहीं पता। एंड ऑल्सो कुछ बंदे वहां पर ज्वाइन कर लेते हैं उस सर्वर को। एंड इसके ऊपर में तीनों ही लोग का क्या कुछ रिएक्शन था देखो तुम लोग। इसके बाद एंड करेंगे भाई, मजा आएगा। ये सर्वर पे कौन आया है देखो, कौन आया भाई, कौन देखो, ये कौन है, व्हाट, ये आएगा हमारी आईपी दिख गई इस बंदे को भाई। अरे इसको आईपी दिख कैसे, उसको आईपी कैसे दिखी भाई, मैंने आईपी तो नहीं दिखाई यार अभी तक। कौन है तुम? ओए लोन भी जाऊंगा। गाइस सुनो, अभी इसको यहाँ पे कैंसिल करो, कोई बात नहीं है। मुझे लग रहा है आप लोगों में से किसी एक के थ्रू दिख गया है ना। अरे हमारा कैसे दिखेगा भाई, हमारा लाइव स्ट्रीम चालू नहीं, आपका ही चालू है सब कुछ। बट मैं तो गेम के अंदर ही था तब से लेकर, मेरा तो मुश्किल है। हमारा कैसे दिख सकता है भाई? हाँ मेरा भी कैसे दिखेगा, क्योंकि मैं तो गेम से बाहर ही नहीं गया, लेकिन लाइक आईपी ना हमारी चली जाए। चलो कोई नहीं, आईपी तो मैं रिसेट कर दूंगा। गाइस बाय द वे, एक छोटी सी डिफिकल्टी होगी कि जिस सर्वर पे हम लोग अभी खेल रहे थे ना, उस पे कोई बाहर का बंदा आ गया भाई, सर्वर पे कोई अननोन बंदा, डोंट नो बंदा कौन है, तो अभी जरा थोड़ा सा बैन बून मारेंगे ना भाई। तो मैं तुम लोगों के दिखाता हूँ ना भाई, ये बाय द वे नॉन स्क्रिप्टेड चीज है ये। आई गॉट आईपी, ये कैसे हो सकता है? ये देखो भाई यहाँ पे, ये भाई जी पता नहीं कौन है और पता नहीं कहाँ से यहाँ पे आगे नीचे हमसे बातें कर रहा है। फ्रॉम स्मार्टी, मुझसे कैसे मिला, लिखो जरा नीचे, मुझसे कैसे मिला।
अरे आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो ना, तो आपका कहीं से दिख गया होगा। मेरे आईपी कैसे दिख सकती भाई, मैंने खोला ही नहीं भाई, मैं गेम के अंदर ही हूँ सिर्फ। आईपी ये देखो, स्मार्टी लाइव आई गॉट आईपी। बट फिर एक ही बंदे को मिली कैसे? बट फिर एक ही बंदे को मिली सिर्फ, कैसे मिली भाई इसको? अरे अभी 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 प्रद्युम्न गिरी कम करते हैं, लेट्स गो फॉर प्लेग्राउंड बॉय। और जैसे कि तुम सभी लोग वेट कर रहे हो ये स्मार्टिफाई के हिमलैंड्स के न्यू वीडियो का, तो यह इसी वाले लाइव स्ट्रीम में स्मार्टिफाई रिवील भी करते हैं, क्योंकि जो हिमलैंड्स की न्यू वीडियो है वो कल आने वाली है। मतलब वो कल लाइव स्ट्रीम कर रहे थे पिछले एक दिन पहले, मतलब कि कल उनकी हिमलैंड्स की न्यू वीडियो आने वाली है। देखो क्या कुछ कहा था उन्होंने भाई, ठीक है ना, हिमलैंड्स की वीडियो परसों अपलोड हो जाएगी। तो गाइस मिलते हैं तुम लोगों से एक और धासु नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम। स्मार्टिफाई ने पिछले एक दिन पहले लाइव स्ट्रीम करी थी, मतलब 24 तारीख को करी थी, मतलब 26 मतलब कल आ जाएगी स्मार्टिफाई की न्यू हिमलैंड्स की न्यू वीडियो। एडिया तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एडिया बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, तो बात कर लेते हैं ड्रीम बॉय के बारे में। अब लेकर मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि एजियो टीडिप का जो हिमलैंड्स गैंग वाला मीटअप था उसका पहला व्लॉग उनके चैनल पे आ गया है। और ऑल्सो उसी वाले व्लॉग में यार जो एजियो टीडिप है वो ड्रीम बॉय का मास्क उतारने का ट्राई करते हैं, मतलब काफी फनी वे में। देखो तुम लोग भाई, मुझे ही देख लो। और भाई इसके थोड़ा मास्क, और भाई फिर नहीं करेगा रिकॉर्ड। पहले तुम लोगों को ऐसा, काफी लोगों को ऐसा लगता था कि मेरा स्पॉटिफाई पे कोई अकाउंट है, वो मेरा नहीं था। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वो एक किसी ने फेक अकाउंट बना रखा था, तो वो मेरा नहीं है। लेकिन अब कल मेरा खुद का Spotify पे पॉडकास्ट स्टार्ट हो रहा है। पॉडकास्ट वो अकाउंट जो ऑलरेडी बना हुआ है वो फेक है, जितने भी अकाउंट्स बने हुए हैं वो फेक है। मेरा जो पॉडकास्ट वाला, जो मेरा Spotify का अकाउंट होगा वो नीले टिक मार्क वाला ओरिजिनल होगा, जिसका मैं तुम्हें कल लिंक शेयर करूंगा जब वो रिलीज होगा। पहली बात, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि अपना खुद का पॉडकास्ट आएगा। दूसरी बात जो सबसे बड़ी हाइप वाली बात है, तुम लोगों का फेवरेट कंटेंट ऑन माय चैनल वो स्टोरी टाइम, राइट? आई नो सब लोगों को सबसे ज़्यादा स्टोरी टाइम वीडियोस पसंद थी। हमारा जो Spotify का पॉडकास्ट है दैट इज गोइंग टू बी जापान में है, और वहां पर उनको काफी भारी नुकसान हो गया। इसी के बारे में बताते हुए उन्होंने एक स्टोरी डाली, एंड वो कहते हैं लाइफ में इतना डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड कभी फील नहीं किया जितना अभी हो रहा। आई फॉरगॉट टू टेक PCR टेस्ट, सो आई थॉट आई विल कम टू एयरपोर्ट अर्ली एंड इधर आके ले लूंगा। गेस वॉट, आई लिटरली पेड 29,000 फॉर PCR टेस्ट। इतना बुरा लग रहा है, पैसे बर्बाद कर दिए, इफ ध्यान रहता पहले तो 4-5 हज़ार येन में हो जाता। एडिया काफी यार बुरा हुआ मेरे को सुन के। तो यार बढ़ते अपनी लास्ट न्यूज़ सेगमेंट की तरफ, जो कि है यूट्यूबर्स की पॉपुलर वीडियो अपलोड्स के बारे में। तो लाइक यार सबसे पहले डैडी गेम्स की वीडियो आ चुकी है, टेक्नो गेमर्स की वीडियो आ चुकी है, जैक सक्सेट स्टफ्स की वीडियो आ चुकी है, एंड ऑल्सो इसके बाद में SB737 लाइव की वीडियो आ चुकी है, एंड ऑल्सो इसके बाद में एंड्रूबी की वीडियो आ चुकी है, एंड ऑल्सो डी एक्सट्रीम गेमिंग की वीडियो आ चुकी है, प्रोबॉज 95 की वीडियो आ चुकी है, बीस्ट बॉय शूप की वीडियो आ चुकी है, ब्लैक क्लू गेमिंग की वीडियो आ चुकी है, एंड ऑल्सो नेट गेमर फ्यूड चैनल की वीडियो आ चुकी है, थग बॉय मैक्स की भी वीडियो आ चुकी है। सारी वीडियो को चेकआउट कर लेना। तो चलो यार बस बिगले इतनी न्यूज़ डेट है, जब न्यूज़ मिलेगी यार मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। न्यू सबमिशन की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर न्यूज़ सबमिट कर देना। एंड मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।